जय श्री कृष्ण। गीता धाम में फिर से स्वागत। देखिए मैं आपको ये जोड़ घटाओ ये बता रहा था, बताते बताते ये फिर पीछे कृष्ण ये छोड़ गया था। बाकी मैंने पिछले उसमें करवा दिए वीडियो में, लेकिन ये कृष्ण ये छोड़ गया था, इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ आपको। तो क्या करना है आपको, तो इसमें से सात में से सात निकाल देंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जरूर उतारना है। और यहाँ क्या है, पाँच है, पाँच में सात कभी जाता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इससे उतार लेंगे तो पाँच के कितने माने जाएंगे, पंद्रह माने, फिफ्टीन माने जाएंगे। और पंद्रह में से सात निकालेंगे, पीछे कितने, आठ रह जाएंगे। फिर ये पाँच था, पाँच में से एक निकाल दिया, फिर चार रह गए, और चार में से दो रह गए, क्योंकि एक जो उसको लिया था उधार वापस निकाल दिया गया। नेक्स्ट में हिस्सा जोड़ दी हुई है, आपको इस प्रकार से जोड़ करनी है। तो ये देखा ऐसे जिसको आप कुछ लिख सकते हो एक पेपर में किसी प्रकार से, और समझ भी सकते हो। जैसे मैं आपको एक पेपर पे करके बताता हूँ, आप उसको नोट करेंगे। क्या करेंगे, इसको आप नोट करेंगे। जैसे 580 लिख लेना है, फिर इसके नीचे 27 लिख लेना है, इसके नीचे फिर क्या करना है 306, या फिर उसका एक प्लस का निशान लगा करके आप इनको इस प्रकार जोड़ करके और आगे जोड़ लिख देंगे। क्या करेंगे, इसके आगे एक जोड़ लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सात और छः कितने होते हैं, सौ तेरह होते हैं। कितने होते हैं, सात तो सात के बाद एक छः लाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः लाइन हो गई। तो सात का आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितनी होगी, तेरह, तेरह का टिक्का हो जाएगा, आंसर लग जाएगी एक। क्या लग जाएगी, आंसर लग जाएगी एक। अब एक को आठ में एक जोड़ेंगे नौ हो जाएगा, नौ और दस ग्यारह कितने होते हैं, दो दो जोड़ेंगे ग्यारह हो जाएंगे। इसी प्रकार ग्यारह का भी आंसर लगा, क्यों मैंने बताया, दो संख्या अगर एक संख्या इधर एक संख्या इधर है तो इधर वाली आंसर लगेगी, इधर वाली नीचे यहाँ आएगी। यहाँ पर भी तेरह आया था, तेरह में से तीन इधर आया, और जो राइट हैंड की तरफ है वो इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए इस प्रकार से एक आसन लग गया, कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। पाँच में एक जोड़ेंगे छः हो जाएंगे, छः और तीन कितने हो जाएंगे, नौ, नौ है जैसा का जैसा ही हम आपके यहाँ लिख देंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 913, ठीक है। एक ही हो गया नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये आप नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये छः था और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, सातवां। सातवें में सीधा दिया हुआ है 773, कितना दिया हुआ है सातवें में, 773 दिया हुआ है। उनमें से निशान किसका बेटा, माइनस का है। अगर माइनस का है तो हम क्या करेंगे, बाकी करेंगे, क्या करेंगे, बाकी करेंगे। सीधा सा है, तेरह में से तीन में से छः जाता नहीं है, इसलिए हम एक इसमें से क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो तीन के तेरह माने जाएंगे, कितने माने जाएंगे, तेरह माने जाएंगे, और तेरह में से हम छः निकाल लेंगे। तो अब सीधा हिसाब है, या तो सीधा अगर आता ठीक है आप तेरह लाइन खींच दो, फिर क्या करोगे, तेरह लाइन खींच दो यहाँ पर, जो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितनी लाइन होगी, तेरह हो गई। अब तेरह में से छः निकाल दो, एक दो तीन चार पाँच, और छः निकल गई। छः निकलने के बाद कितने बच गई, एक दो तीन चार पाँच छः और सात बच गई, कितनी बच गई, सात। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सात आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, सात आ जाएंगे। अब हमने सात है यहाँ, तो सात में से हमने एक इसको दिया था, तो वापस कितने बच गए, छः रह गए, कितने रह गए यहाँ पे, छः हो गए। और छः में से नौ जाता नहीं, और वही तरीका है वापस इसमें से एक अपन उधार लेंगे। अब छः के कितने बन जाएंगे, सोलह बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, छः के सोलह। और इसी प्रकार से आप सोलह लाइन खींच लीजिए, ये तेरह लाइन खींची हुई है, चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है। तो आप सोलह में से नौ निकाल दीजिए, क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ लाइन निकाली, फिर कितने रह जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे, सात रह जाएंगे। तो सात का कितने रह जाएंगे, सात आएंगे। तो देख इसको क्या करेंगे, इसी को जोड़ते हैं तो हो जाता है अपना, बाकी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। फिर ये क्या संख्या है, चार है।
अब चार संख्या चार में से एक उसको दिया तीन दे गया, और तीन में से दो आसानी जाता है, इसके पीछे रह जाता है एक, क्या रह जाता है एक। अब इसको अपने पता करना है कि हमारी माइनस बाकी गलत है या सही है, तो आप इस संख्या और इस संख्या को प्लस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा छः और सात कितना होते तेरह हो गया, और नौ और एक हंसल वाला दस चार सत्रह हो गए, और दो एक तीन हंसल वाला चार हो गया। ओके नेक्स्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको कल के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर आठवां, क्या है क्वेश्चन नंबर आठवां, क्वेश्चन नंबर आठ में क्या दिया है 364 प्लस 67 प्लस, अब ये दिया हुआ है दो प्लस में और इसमें से एक माइनस निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसको जोड़ के ही तो बाकी निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको जोड़ करके ही बाकी निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर आठ दिया मैंने आपको ऊपर आ गया ना, ये आठ प्रश्न था और आठ में ये आपको दिया हुआ है, तो अपन उसमें क्या दिया हुआ है तो वो प्रश्न देख, क्या प्रश्न क्या है इसमें देखिए, प्रश्न ये था कि 364 प्लस 67 माइनस 199, ये आठ प्रश्न था, और इसको तो क्या करेंगे पहले आप उसको जोड़ेंगे फिर 199 बाकी निकालेंगे, तो सात चौदह है, चौदह में सात जाएंगे सात और दे देंगे, फिर छः में से छः क्योंकि एक इसको उतार दिया चौदह बना इसलिए पाँच हो गया, पाँच में से ग्यारह छः जाता नहीं इसलिए पाँच के पंद्रह हो जाएंगे, पंद्रह में से छः जाएंगे कितने रह जाएंगे नौ, सॉरी जोड़ना है इसको गलत हो गया ये, एक बार वापस जोड़ देते हैं इसको, जोड़ करनी है इसकी, क्या करनी है इसकी जोड़ करनी है, जोड़ देते इसको सात और चार ग्यारह कितने हो गए सात और चार ग्यारह, छः छः बारह और एक तेरह, और तीन और एक चार, ये कितने हो गए 431 कितने हो गए, और 431 में से क्या करेंगे 199 माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जैसे ये है एक, एक में से नौ जाता नहीं इसलिए एक क्या मानेंगे ग्यारह मानेंगे, तो ग्यारह में से नौ जाएंगे कितना रहेगा दो रहेगा, इस प्रकार से ये है एक स्कूदार जैसे बारह, ये तीन में से नौ जाता नहीं है और तीन में से एक वापस चला गया वो बाकी वाला तो रह गया दो, दो में से नौ जाता नहीं इसलिए एक उधार लेंगे क्या होगा बारह हो जाएगी, और बारह में से नौ जाएंगे तीन रहेंगे, और इस प्रकार से एक स्कूदार दिया हुआ तो चार के तीन हो जाएंगे और तीन में से एक जाएगा दो रह जाएंगे, यानी उत्तर आएगा 232 कितना आएगा उत्तर 232, ये उत्तर कितने हो जाएंगे आपके 232, तो आपको इसमें वापस 232 लिखना है, किसमें लिखना है 232 इसमें 232 होगा और सातवें में 177 177 होगा। जय श्री कृष्णा, मैं आगे कल आपको आगे का प्रश्न आगे कल पढ़ाऊंगा, आपको ये आठ क्वेश्चन तक आपको अपनी कॉपी में करना है, एक साथ में दो वीडियो भेज जाएंगे और पहले दूसरा वीडियो करना है फिर दूसरा वीडियो करना है। जय श्री कृष्णा।